नमस्कार दोस्तों, एफएस टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं आपका अपना कपिल शर्मा। बादली के पासोर गांव के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही बादली थाना प्रभारी बाबूलाल जोकी दलबल के साथ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई जुट गए। बताया जाता है कि शव एक प्रवासी मजदूर का है, जिसके कानों में एक बाली व हाथ पर चौहान लिखा हुआ पाया गया है, मगर शव की शिनाख्त नहीं हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि शव को लेकर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। जो भी व्यक्ति इस बारे में सूचना देगा, पुलिस बादली थाना प्रभारी द्वारा उसको नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि शव ने सूचना दी थी कि जहांगीरपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उस पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसको आके चेक किया गया तो इसके मुंह पर काफ़ी धारदार हथियार से चोट मारकर हत्या कर रखी है। तो सरपंच की स्टेटमेंट पर मुकदमा 302 का दर्ज किया है और उसकी पहचान करवाई जा रही है और रूट बनाया जा रहा है, टेक्निकल हेल्प ली जा रही है। डेड बॉडी को कहाँ लेके जाएगा? डेड बॉडी को बादरूट लेके जा रहा है, वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा इसका।